बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत मेंढारी से लगे इरिया नदी में काफी दिनों से अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। जिला प्रशासन को जानकारी भी है, लेकिन कार्यवाही करने से प्रशासन मुकर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ कहा जाए रेत की अवैध उत्खनन से नदी का जल स्तर भी नीचे की ओर जा रहा है। गर्मी का भीषण प्रकोप अभी बाकी है, अभी से ही नदी मृत होती जा रही है। यदि इसी तरह से रेत का अवैध उत्खनन चलता रहा तो आने वाले दिनों में पशु पक्षी पानी के लिए तरस जाएंगे। जो गांव नदी के आसपास बसे हैं उनकी कुएं नलकूप सूखे में तब्दील हो जाएंगे। इन सबको देखते हुए प्रशासन अभी भी रेत उत्खनन पर नींद से नहीं जागा तो बुरे दिन देखने पड़ेंगे। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है नदी नालों से रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है और प्रशासन मौन है, लेकिन हम सभी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अवैध रेत खनन में लिप्त अधिकारियों को उखाड़ फेंकेंगे और इस प्रकार जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उसे रोक कर ही रहेंगे। अवैध रेत उत्खनन जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नदियों की पानी नीचे सूख जा रही है, जिससे कि आए समय में गर्मी का समय बहुत नजदीक आ गया है, जिससे पशु पक्षियों को भारी दिक्कत होगा। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ये चोर उचक्कों की सरकार बलरामपुर जिले के हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बालुओं का अवैध परिवहन कर पैसा बनाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से उनका कार्यों का विरोध किया है और 6 माह पहले भी लॉकडाउन के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मौके पर जाके ट्रकों को जब्ती कराकर कार्रवाई की है। आने वाले समय में युवा मोर्चा की हमारी पूरी टीम साथ में मिलकर इन्हीं सभी चीजों को के विरोध में उग्र प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को हिला कर रख देगी, लेकिन ये अवैध रेत का कार्य हम रोक कर रहेंगे। बलरामपुर से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।